हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी में नंबर फिफ्थ डिसिप्लिन जो हम बात कर रहे थे उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और नंबर फिफ्थ जो फील्ड है या जो डिसिप्लिन है दैट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। ओके, सो बायोटेक्नोलॉजी अगेन हम देखेंगे कि इस वर्ड की इटिमोलॉजी क्या है और बायोटेक्नोलॉजी वर्ड या ये जो पूरी एक फील्ड है, ये जो डिसिप्लिन है बायोलॉजी का, इसका क्या मकसद है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको अगेन इसकी इटिमोलॉजी का डेफिनेशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पार्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट है बायो, दैट मीन्स लाइफ, या अगर हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहें तो भी ठीक है। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो जो इसका दूसरा पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी। सो बायो को तो हमने डिफाइन किया या देखा कि बायो इज क्वाइट सिंपल, वो बहुत ही आसान है कि भाई लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इज बायो। एंड टेक्नोलॉजी जो है इसको हमें थोड़ा डिटेल में डिफाइन करने की जरूरत होगी कि टेक्नोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली हम टेक्नोलॉजी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम फिर इस वर्ड की जो एक्चुअल मीनिंग होगी, इस वर्ड की जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी वर्ड का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज पुट इनटू प्रैक्टिकल यूज। ठीक है, यानी साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज में, प्रैक्टिकल इस्तेमाल में, ठीक है, लाया जाए टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू इन्वेंट टूल्स, प्रोडक्ट्स और थिंग्स। ठीक है, सो ये एक डिटेल्ड डेफिनेशन है टेक्नोलॉजी की। यानी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज, यानी जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज जो कि हम गैदर करते हैं, हम कलेक्ट करते हैं, उस साइंटिफिक नॉलेज को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं कहां पर, प्रैक्टिकल यूज में, यानी उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं। फॉर व्हाट? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज को यूज किया जाता है, या टू इन्वेंट टूल्स बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या कुछ चीजें बनाने के लिए, जब हम साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकल यूज में लाए तो हम उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो यहां पे अब हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का क्या मतलब बनता है। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को तो हम समझ गए कि भाई जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज हम गैदर करते हैं उसके बाद उसको प्रैक्टिकली यूज करके, उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या उससे बहुत सारी चीजें टूल्स वगैरह बनाए ताकि इंसान जात की बेहतरी हो। जिस तरह से ये हम अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह आप देखेंगे यू विल फाइंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी मिलेगी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी मिलेगी, देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज दैट वी आर यूजिंग नाउअडेज। ठीक, सो उससे क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी जो है इंसान जात की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल चीजें, जितने भी मटीरियलिस्टिक जितनी भी चीजें हम उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द जनरल टेक्नोलॉजी। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इज हेयर रिलेटेड विद लाइफ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो इटिमोलॉजी के हिसाब से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वुड बी डेफिनेशन नाउ वी कैन से दैट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स their molecules or their products or their processes,
यानी यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर मॉलिक्यूल्स आर देयर प्रोसेसेस व्हिच इज सेड टू बी द बायो प्रोसेसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. सो हमने क्या लिखा, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनी, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जनरल टेक्नोलॉजी. यहाँ पे हमने टेक्नोलॉजी को जस्ट डिफाइन किया कि टेक्नोलॉजी होती क्या है. अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होगा, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करेंगे या उनके मॉलिक्यूल्स को यूज करेंगे. इससे फॉर एग्जाम्पल उनसे अगर हम एंजाइम्स वगैरह लेते हैं, दीज आर देयर मॉलिक्यूल्स, देयर प्रोडक्ट्स, ठीक, उनको इस्तेमाल करें, या प्रोसेसेस, यानी जो प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जिस तरह से फर्मेंटेशन एक किस्म का प्रोसेस होता है उसको, या मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अगर हम लें, ठीक है, यानी उसको यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड और फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, इंसान जात की बेहतरी के लिए जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं या उनके मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं या उन लाइफ के प्रोसेसेस को यूज करते हैं, दैट इज सेड टू बी द बायोटेक्नोलॉजी. इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है. अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, ये वैसे तो हमें लग रहा है कि शायद ये कोई रिसेंट फील्ड है बायोलॉजी की. एग्जैक्टली इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की रिसेंट फील्ड भी है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें. लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसका इस्तेमाल, इसका यूज 2000 कबले मसीह से होता हुआ आ रहा है, ठीक है. तो हिस्टोरिकली अबाउट 2000 BC, ठीक है, 2000 कबले मसीह से बायोटेक्नोलॉजी हैज बीन is being used, ठीक है, in oldest form, यानी ये इसका actually oldest form हम अगर इसको कहें, oldest form में biotechnology use होती आ रही है 2000 कबले मसीह से, ठीक है. किस तरह से, say for example इंसान जो है उन्होंने wine, beer, bread, ठीक है, पिकल प्रोडक्ट्स, ETC, ये जितनी भी चीजें हैं ये इंसान ने तकरीबन 2000 कबले मसीह से करना सीख ली थी, ठीक है, कि वाइन कैसे बनाया जाता है, बियर किस तरह से बनाया जाता है, ब्रेड किस तरह से बनाई जाती है, या पिकल्ड फूड, हम इसको पिकल्ड प्रोडक्ट, या अगर हम इसको आप पिकल्ड फूड कहते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, ये किस तरह से बनाया जाता है, और इससे बहुत सारी और रिलेटेड चीजें हैं. ये चीजें इंसान ने 2000 कबले मसीह से ही सीख ली हैं और ये उस प्रोसेस को करता हुआ आ रहा है, ठीक है. और ये इंसान की फितरत भी है कि वो खुद को डे बाय डे इंप्रूव कर रहा है, या उसके साथ रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको इंप्रूव कर रहा है, ताकि लेस एफर्ट में बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्ट हासिल की जाए. दैट इज एक्चुअली ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये इंसान की फितरत है के लेस एफर्ट में बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हासिल की जाए. कोई ऐसी टेक्निक्स जो है वो फाइंड की जाए या किसी टेक्निक्स को यूज किया जाए ताकि हमें थोड़ी मेहनत में बहुत ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट मिल जाए. सो इन ऑर्डर टू गेट द कंफर्ट, ताकि हम कंफर्ट में रह सकें, हम पुरसुकून जो है वो एनवायरमेंट में जो हमें चीजें जो है वो अवेलेबल मौजूद हों, ठीक. सो दिस इज द ह्यूमन इंस्टिंक्ट, ये इंसान की फितरत है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू गेट मोर विद लेस एफर्ट, ठीक है, यानी थोड़ी सी कोशिश से, थोड़ी सी एफर्ट से बहुत ज्यादा हासिल की जाए कुछ चीजें, दैट इज द ह्यूमन इंस्टिंक्ट. और इसी के ही नतीजे में बायोटेक्नोलॉजी ने जो है वो अपना बायोटेक्नोलॉजी वजूद में आई, कि इंसान जो है वो ऐसे प्रोसेसेस उसने इन्वेंट किए, साइंटिफिक नॉलेज को इस तरह से यूज किया और अब कर रहा है मुसलसल आगे, ताकि थोड़ी एफर्ट में, थोड़ी सी एफर्ट के साथ उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिले, बहुत ज्यादा चीजें मिले, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर हम, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था हमारे पास,
कि हिस्टोरिकली अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो हिस्टोरिकली 2000 कबले मसीह से इंसान ये सारी चीजें बनाता हुआ आ रहा है, ये भी एक किस्म की बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। लेकिन ये जो है ओल्डेस्ट एक्चुअली मेथड कहलाया जाता है, दिस इज नॉट द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी नहीं है। अभी हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी अब है यानी 2000 कबले मसीह में जो बायोटेक्नोलॉजी की प्रैक्टिसेस ह्यूमन बीइंग कर रहा था, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट थी। और आज जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं वो ये हमारा ओल्डेस्ट मेथड तो है ही है बायोटेक्नोलॉजी में, लेकिन उसके साथ साथ वी हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड लॉट, हमने बहुत ज्यादा जो है तरक्की कर ली है, हम बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं इस फील्ड में, ठीक है। तो किस तरह से अगर हम जनरल थोड़ा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात करें कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का वजूद जो है वो कैसे पड़ा, तो यहां पे हम लिखेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो वजूद है उसका सेहरा जो है या उसका जो बानी अगर हम कहें, दैट इज सेड टू बी द हर्बर्ट बोयर, ठीक है। सो हर्बर्ट बोयर इन 1972, ठीक है, 1972 में अलॉन्ग विद हिज कोवर्कर जिसका नाम था कोहेन, ठीक है, यानी एक हर्बर्ट बोयर और दूसरा था कोहेन, इन दोनों ने मिलकर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का वजूद रखा। कैसे रखा? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियम लिया, ठीक है, दे टुक अ बैक्टीरियम। अब जैसा कि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें प्लाज्मिड मौजूद होता है, देयर इज अ सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए दैट इज प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक सर्कुलर राउंड जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो है डीएनए टाइप मौजूद होता है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि एक जेनेटिकल मटेरियल इसका बैक्टीरिया क्या यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर दिस पार्ट इज सेड टू बी द प्लाज्मिड, इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो हर्बर्ट बोयर और कोहेन ने क्या किया कि यहां पर इस प्लाज्मिड को, दिस प्लाज्मिड वाज एक्चुअली स्लाइज्ड, इसको ब्रेक डाउन किया, इसको तोड़ा इन्होंने, ठीक है, एक ये पार्ट है एंड सेकंड पार्ट इज दिस, इसका ये सेकंड पार्ट इन्होंने अलग किया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी यहां पर इन्होंने एंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया और इन एंजाइम्स की मदद से इन्होंने प्लाज्मिड को ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करके फिर इन्होंने क्या किया कि इस प्लाज्मिड के अंदर दूसरे बैक्टीरियम यानी बैक्टीरियम नंबर 2 से लिया गया प्लाज्मिड, दिस इज से फॉर एग्जांपल बैक्टीरियम नंबर 1 एंड दिस इज से फॉर एग्जांपल 2, ठीक है। सो यहां से जो दूसरा प्लाज्मिड इन्होंने लिया, सिमिलरली इसका पार्ट इन्होंने इसके साथ अटैच किया। सो अब यहाँ पे ये जो प्लाज्मिड है वो इस बैक्टीरिया का और प्लस में सेकेंड पार्ट जो है वो इस बैक्टीरियम का इन्होंने इसके साथ लगाया, ठीक है। अब ये जो है एक्चुअली एक किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह इसको कहें, जो कि आर्टिफिशियल किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन थी। फिर इन्होंने क्या किया, यही प्लाज्मिड जो है वो थर्ड टाइप बैक्टीरिया में इंजेक्ट किया, ठीक। सो दिस वाज इंजेक्टेड ओवर हियर, तो यहां पे इस टेक्निक की वजह से क्या हुआ कि हमें जो बैक्टीरिया है उसमें आर्टिफिशियली हमने उसको ट्रांसफॉर्म करने की हमें जो है वो वेज या एक्चुअली जो तरीकेकार है वो इंसान ने सीख लिया। और उसके बाद अब ये जो बैक्टीरिया है ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली मॉडिफाइड बैक्टीरिया और मॉडिफाइड बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये जो एक्चुअली बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था
उस टाइम पे 1972 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 1972 और 1973, जब हर्बर्ट बोयर और कोहेन ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया कि इस तरह से भी किया जा सकता है कि हम डीएनए को स्प्लिट कर सकते हैं, फिर उसको जोड़ सकते हैं, फिर नए जो है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. दैट इज एक्चुअली द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है जिसकी हम अभी आगे मुसलसल बात भी करेंगे, ठीक है. सो अब बायोटेक्नोलॉजी जो है इसको कहते हैं थर्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. यानी अब हम जिस एक्चुअली दुनिया में जी रहे हैं, नाउ वी आर इन द थर्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, ठीक. सो जिस तरह से हमारे पास फर्स्ट जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन था दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है, सनती इंकलाब हम जिसको कहते हैं, ये रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का. उसके बाद हमारे पास सेकेंड रेवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी का, दैट इज कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ठीक है. एंड नाउ थर्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इज बायोटेक्नोलॉजी. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कंप्यूटर रेवोल्यूशन के साथ जो हमारे पास थर्ड टेक्नोलॉजिकल का जो रेवोल्यूशन है दैट इज कॉल्ड इज बायोटेक्नोलॉजी. सो बायोटेक्नोलॉजी इज द थर्ड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन एंड वी आर लिविंग इन दिस एज. अभी हम इस एज में सरवाइव कर रहे हैं, हालांकि हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी है, ऐसी बात उसका 19 सेंचुरी में जो है वो बेस्ट हुआ था. उसके बाद कंप्यूटर रेवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन. तो इस बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसान जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुका भी है और फर्दर और भी जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है तरक्की करेगा इंसान, वो हम देखेंगे कि किस तरह से होता है. सो दिस वॉज जनरल इंट्रोडक्शन. अभी हम देखेंगे कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड है इसमें बहुत ज्यादा साइंसेस, इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, यानी इसमें बहुत सारी साइंसेस जो हैं वो अपना रोल प्ले करती हैं. किस तरह से केमिस्ट्री से भी हेल्प ली जाती है यहाँ पे, फिजिक्स से हेल्प ली जाती है, जनरल और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, जितनी भी साइंसेज हैं उनसे हेल्प ली जाती है बायोटेक्नोलॉजी में. यानी बायोटेक्नोलॉजी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट साइंस, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस. ये किस्म की इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, यानी बहुत सारी साइंसेस इसको हेल्प करती हैं और फाइनली बायोटेक्नोलॉजी से जितनी भी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, जितनी भी चीजें मिलती हैं, अल्टीमेटली दे आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग और फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. इनका इस्तेमाल जो है वो इंसान की बेहतरी के लिए होता है. तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन सी जो है जनरल टेक्नोलॉजीज यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं बायोटेक्नोलॉजी में. हम कुछ तीन चार जो है उनका एग्जांपल्स लेंगे, उसके बाद हम फिर इन शॉर्ट एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे, सॉरी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं. सो कौन सी टेक्निक्स हैं या कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जिसका बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है. उनमें सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज द बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक. पहली जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. अब बायो प्रोसेसिंग क्या होता है? बायो मीन्स लाइफ एंड प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेसेस. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के या लाइफ के प्रोसेसेस जो है वो यहां पे इस्तेमाल होते हैं. जिस तरह से मैंने आपको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक्चुअली यूज किया, सो हम लिखेंगे यहां पर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर यूज्ड. एंड दिस टेक्नोलॉजी इज द ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी. ये ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है. मैंने आपको पहले भी बताया कि 2000 कबले मसीह से जो है वो इसको यूज किया जा रहा है और अभी थोड़े मॉडर्न फॉर्म में एक्चुअली हम इसको यूज कर रहे हैं. वो किस तरह से मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा कि हम ओल्डेस्ट के साथ साथ कुछ इसमें न्यू वर्जन भी हमने ऐड किया है, कुछ न्यू टेक्निक्स भी इसमें ऐड की हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा और अच्छी प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रही हैं. सो दिस इज एक्चुअली द ओल्डेस्ट मेथड, ठीक है. ये ओल्डेस्ट मेथड है. अब इसमें क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को या सेल्स को एक्चुअली यूज किया जाता है. सो ओवर हियर फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी ये जो लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो कौन के लिए कराएगा?
अल्टीमेटली देयर वुड बी अ सेल. सो सेल्स आर यूज्ड, ठीक है. और जनरली जो सेल्स यहां पे यूज होते हैं दे आर बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियल सेल एंड फंगल सेल. से फॉर एग्जाम्पल बी राइट यीस्ट, ठीक है. यीस्ट जो है आपको पता है दैट इज दी यूनिसेल्यूलर फंजा, ठीक है, यूनिसेल्यूलर फंगस है इसको. और जनरली बैक्टीरिया को यूज किया जाता है बायो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज से फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पर हम मोस्टली जो प्रोसेस जो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है दैट इज द फर्मेंटेशन. सो एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोसेस व्हिच इज एक्चुअली द एनएरोबिक प्रोसेस, ये एक एनएरोबिक प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन का, जिसमें अल्कोहल फॉर्म होती है. सो बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में क्या होगा, प्रोडक्शन कौन कौन सी होंगी, बियर, वाइन, ब्रेड, ईटीसी, ठीक है. ये तो जनरली जो ओल्डेस्ट या पिकल्ड फूड वगैरह. उसके साथ साथ जो अभी इसमें थोड़ा मॉडर्न जो चीजें आई हैं उसमें हम से फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन बना रहे हैं, ठीक है, बायोप्रोसेस को यूज करके ह्यूमन इंसुलिन, या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन. इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से जो बनाई जा रही है दैट इज द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ह्यूमन इंसुलिन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ठीक है. उसके साथ साथ अगर हम लिखें बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, ठीक है, ईटीसी, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. यानी अभी हम ये ओल्डेस्ट मेथड के यूज करके जो जितने भी ओल्डेस्ट चीजें थी वो तो बना ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है हम ये मॉडर्न थिंग्स आर आल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड बन रही हैं, जिससे बहुत ज्यादा जो है एक किस्म का रिवोल्यूशन इनकलाब आ गया है लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ. सो यहाँ पे हम एक्चुअली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात करेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन इंसुलिन को फर्दर आगे डिटेल में जब हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें मैं इसको वैसे ही डिफाइन करूंगा. यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इज एक्चुअली व्हाट प्लास्टिक, आपको पता है कि हमारी लाइफ में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है. जितनी भी आप चीजें देखेंगे हमारे इर्द गिर्द जितने भी हैं जनरली उनमें प्लास्टिक ही अवेलेबल है. वो पॉलीथिन बैग्स जो हम यूज करते हैं उनके साथ साथ चेयर्स तक ईच एंड एवरीथिंग इज जनरली नाउ कंपोज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है. तो अगर हम इसको प्लास्टिक एज कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी हम प्लास्टिक की एज में रह रहे हैं. एवरीथिंग देयर इज प्लास्टिक, ठीक है, एवरीवेयर देयर इज प्लास्टिक, प्लास्टिक मौजूद है. लेकिन हमें ये पता है कि जो जनरली अपना पॉलीएथिन जो है पॉलीमर जो है प्लास्टिक का ये डिग्रेडेबल नहीं है, यानी ये डिग्रेड नहीं होता है, यानी इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता. सो इट इज एक्चुअली अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसके लिए एनवायरमेंटल साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं. तो अभी बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से क्या हुआ है कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जा रहा है बैक्टीरिया को यूज करके, ठीक है, जिससे क्या होता है कि वही सेम प्लास्टिक होता है, थोड़ा क्वालिटी में जो है वो फर्क होगा, लेकिन इसकी जो मेन बात है वो ये है कि दिस प्लास्टिक कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन, ठीक है. सो ये प्लास्टिक जो है इसको आसानी से डिग्रेड किया जा सकता है, इसको यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ब्रोकन डाउन बाय दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जानदार जितने भी हैं फंगस वगैरह या बैक्टीरिया या जहां भी प्लास्टिक पड़ा होगा, तो जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जब भी डेड हो जाते हैं मर जाते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी की वजह से उनको डिसोशिएट कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा. यानी वो जो प्लास्टिक जिसको डिग्रेड करने के लिए जिसको डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो यूज किए जा रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी कोई सोल्यूशन नहीं था, तो अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होगा वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस से बनेगा, बन रहा है, ठीक है. और इस प्लास्टिक से क्या होता है कि ये जब भी प्लास्टिक आप यूज करके इसको खत्म कर देते हैं कहीं भी ये गला सड़ा जमीन में आएगा तो ये गल सड़ जाएगा,
विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोब्स। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स, जितने भी वो जनरली जो है वो डिग्रेड करते हैं। ठीक, सो दिस इज अ बिग रेवोल्यूशन, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जिसकी सर्च में हम काफी अरसे से थे, जिसके सोल्यूशन हमें मिल गई है। सो दिस इज हाउ दैट बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इज यूज इन द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बायोप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नंबर सेकेंड की अगर हम बात करें, सो नंबर सेकेंड इज द सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो जो सेकेंड टेक्नोलॉजी है दैट इज यूज्ड इन द बायोटेक्नोलॉजी दैट इज द सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। अगर हम इसको टिश्यू कल्चर भी कहें, जनरली वी आल्सो कॉल इट एज अ टिश्यू कल्चर। ठीक है, टिश्यू आप जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ मोर सेल्स, बहुत ज्यादा सेल्स के कलेक्शन को, मजमूई को हम टिश्यू कहते हैं। सो यहाँ पे सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर के क्या मकसद होता है कि जब हम सेल को जो है वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में, आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराएं, दैट इज कॉल्ड ए सेल कल्चर टेक्नोलॉजी। यानी मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब मौजूद है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, या अगर हम पेट्री डिश की बात करें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पेट्री डिश। ठीक है, ये पेट्री डिश हमारे पास मौजूद है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि वी एक्चुअली पुट द न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, सो से दिस इज न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट देयर। इसको हम आर्टिफिशियल मीडिया भी कहते हैं, सो ग्रोथ मीडियम भी हम इसको कहते हैं, ग्रोथ मीडियम। ठीक है, सो जनरली इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन वगैरह, सो देयर इज न्यूट्रिशन प्लस वाटर इज प्रेजेंट देयर। ठीक, सो आर्टिफिशियली यानी सेल को जानदार की बॉडी से बाहर अगर ग्रो कराया जाए, दैट इज द सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर कल्चर टेक्नोलॉजी। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, और हम इस प्लांट के टिश्यूज को या सेल्स को यहाँ पर ग्रो कराना चाहें, हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट सेल ले रहे हैं एंड दैट प्लांट सेल इज ग्रोन हेयर। ठीक है, उसको इस आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराया जा रहा है और हमें पता है कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं दे आर जनरली टोटिपोटेंट सेल्स, मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स या ऑल ऑफ द प्लांट सेल्स दे आर द टोटिपोटेंट सेल्स, टोटिपोटेंट होते हैं। ठीक है, सो टोटिपोटेंट का क्या मतलब होता है कि एक जो सेल होता है वो कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर तब्दील होने की सलाहियत रखता हो तो हम उसको टोटिपोटेंट कहते हैं। ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि जब हम किसी भी प्लांट को अगर उसकी उसको ग्रो कराना चाहें, ठीक है, विदाउट सीड्स के बगैर, तो हमारे पास टिश्यू कल्चर की या सेल कल्चर की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो करा के एक ही जगह हजारों की तादाद में हम जो है वो प्लांट्स कल्टिवेट कर सकते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल कल्चर टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी which is used to grow the cells of living organisms, either it's plant or animal cell, ठीक है, in artificial media, उसको हम यहाँ पे artificial media में मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पे हम उसको grow करते हैं, और फिर वही जो cell होता है, that grows into another new organism, that is called as cell culture technology, और इसका इस्तेमाल biotechnology में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर हम plant cell को भी use करते हैं, तो जिस तरह से मैंने आपको अभी ये बताया कि प्लांट सेल कल्चर, ठीक है, और उसका मैंने एग्जांपल जो यहाँ पे आपको दिया, ये एक्चुअली प्लांट की मैंने आपको बात की कि प्लांट सेल कल्चर में क्या होगा कि प्लांट की बॉडी का कोई भी सेल उठा के उसको आर्टिफिशियल मीडिया में ग्रो कराया जाएगा और वही सेल टोटिपोटेंट होगा, तो इट विल वर्क लाइक अ सीड, वो सीड की तरह वर्क करेगा और यहाँ पे हमारे पास जो प्लांट जो है वो ग्रो हो जाएगा एंड देन दैट प्लांट विल बी एक्चुअली ग्रोन इन द सॉइल, फिर उसको सॉइल में हम रख देंगे, उसको ग्रो कर देंगे। तो इसे क्या होगा कि ऐसे प्लांट्स जिनके सीड्स जो है वो टाइमली नहीं होते या सीड्स अवेलेबल नहीं रहते, वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं और हमें उस प्लांट्स की बहुत ज़्यादा जो है वो नीड है या हम उसको प्लांट्स को कल्टिवेट करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा तादाद में हम इनको ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेकेंड बात करें भाई,
एनिमल सेल कल्चर भी होता है, यानी मोस्टली हम इसको कहते हैं मेमलियन सेल कल्चर। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, यानी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी हम सेल कल्चर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, पहले मैंने आपको प्लांट की बात की, अब हम मेमलियन सेल कल्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो जो एक सिलेक्टिव किस्म की ब्रीडिंग यानी यहाँ पे की जाती है एक्चुअली। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि भाई भी ये काओ, ठीक है, एंड बुल, ठीक है, हमारे पास एक काओ है और उसका मेल जो है दैट इज द बुल, और ये जो दोनों ही एक्चुअली एनिमल्स हैं दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मिल्क के हिसाब से या गोश्त के हिसाब से, ठीक है, दे आर सुपीरियर एनिमल्स, अगर हम इनको सुपीरियर एनिमल्स कहें यहाँ पर, यानी ये कोई इनकी जो है स्पेशी है दैट इज सुपीरियर स्पेशी, सो हम सिलेक्ट करते हैं सुपीरियर स्पेशीज को, किसी भी हवाले से सुपीरियर हो सकती है प्रोडक्ट के हवाले से, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया वही चीजें इस्तेमाल करेंगे, उन चीजों को ही सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाएगी जो हमारे फायदे के लिए होंगी। सो यहाँ पे क्या होता है कि इसको मिसाल के तौर पर इस काओ से एग लिया जाता है, ठीक है, एंड बुल में से स्पर्म लिया जाएगा, ठीक है, और यानी हम सुपीरियर स्पेशीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो सुपीरियर बुल से स्पर्म्स लिए जाएंगे, सुपीरियर काउस की जो स्पेशीज हैं, ठीक है, या वो जो एनिमल्स हैं उनसे एग लिए जाएंगे, फिर इनको आर्टिफिशियली जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पर्म और एग को मिलाया जाएगा, सो दिस एग विल मिक्स विद दिस स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के साथ मिल जाएगा, एंड अल्टीमेटली देयर विल बी अ जायगोट फॉर्मेशन, ठीक है, सो ये जायगोट जो बनेगा, अब इस जायगोट को जो है वो थर्ड एनिमल में दैट इज देयर कुड बी आल्सो काओ, उसको हम सरोगेट काओ कहते हैं, ठीक है, इस काओ के वूम के अंदर जो है या यूटरस के अंदर इसको पुट किया जाएगा, तो अब यहां से ये जो बेबी यानी जायगोट से जो बेबी डेवलप होगा, जो बच्चा जो है वो पैदा होगा, वो एक्चुअली क्या होगा, दैट वुड बी अगेन अ सुपीरियर स्पेशी, ठीक है, वो फिर उसी काओ या बुल की जो है वो सुपीरियर स्पेशी होगी। सो ये मेमेलियन सेल कल्चर भी प्लांट सेल कल्चर की तरह बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, सो सरोगेट काओ को एक्चुअली हम कहते हैं बायोलॉजिकल मदर, यानी ये एक्चुअली क्या है, बायोलॉजिकल मदर ऑफ बेबी, ठीक है, यानी उस बच्चे की, उस बेबी की जो है ये बायोलॉजिकल मदर है, नेचुरल नहीं है, यानी वो अपने जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की वजह से ये बेबी फॉर्म नहीं होता, लेकिन आर्टिफिशियली मैंने आपको बताया कि डिफरेंट जो है वो एनिमल्स सेम स्पेशी के मेल और फीमेल के स्पर्म और एग लिए जाते हैं, उनको ये लेब्स के अंदर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जायगोट बनता है, दिस इज द फर्टिलाइजेशन, सो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनता है उसको थर्ड एनिमल में दैट वुड बी फीमेल, वो फीमेल ही होगी, उसको हम कहते हैं सरोगेट एनिमल, सरोगेट काओ यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, दैट इज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ बेबी, उसमें उसको पुट किया जाता है, पुट करने के बाद क्या होता है कि वो जो बेबी, अब वो जो बच्चा बनेगा, अब वो बच्चा जो है वो उस काओ का नहीं होगा जिसमें हमने जायगोट रखा था, वो किसका होगा, जहां से हमने ये स्पर्म और एग लिए थे। सो ये एक बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली टेक्नोलॉजी है नाउ डेज, जिस तरह से मैंने आपको सेल प्लांट सेल कल्चर की बात की, सिमिलरली मेमेलियन सेल कल्चर भी जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में इसका भी यूज हो रहा है। ओके, सो दो टेक्नोलॉजी की हमने बात की, मजीद दो टेक्नोलॉजी और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, देन फाइनली वी विल कम टू द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।